नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो उसमें अगला सिलेबस का जो पार्ट है कि जिले का विभाजन अगर हम देखें कि कार्यों के आधार पे अधिकारियों के बीच में कैसे बटा हुआ है, तो ये उसका विभाजन मैंने बताने की कोशिश की है कि जिले का विभाजन कार्यों के आधार पर पहला होता है राजस्व की दृष्टि से। राजस्व का मतलब आप समझते हैं धन एकत्र करना, धन का व्यय इससे संबंधित। और दूसरा है विकास की दृष्टि से कि गांव का विकास डेवलपमेंट कैसे होना है। तो राजस्व की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है, या आप उसको कह सकते हो डीएम होता है। कलेक्टर या डीएम एक ही बात है, एसडीओ या एसडीएम जिसको जिसको उपसंभाग अधिकारी कहते हैं। अगले लेवल पे तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार, कानून को जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं, और लास्ट में आता है लेखपाल। अगर राजस्व से संबंधित हम अधिकारियों का क्रम देखें और विकास की दृष्टि से देखें तो मुख्य विकास अधिकारी जिसको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सब डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, या सब डेवलपमेंट ऑफिसर कह सकते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये है विकास की दृष्टि से अधिकारियों का क्रम। तो फिर से देख लीजिए, जिले का विभाजन कार्यों के आधार पे अधिकारियों के मध्य किया जाता है। पहला आता है राजस्व की दृष्टि से, तो सबसे ऊपर आता है कलेक्टर या डीएम, उसके बाद एसडीओ या एसडीएम कह सकते हैं, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर लेखपाल। विकास की दृष्टि से मुख्य विकास अधिकारी एसडीओ, बीडीओ और वीडीओ। बीडीओ और वीडीओ दोनों में अंतर है। वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, और बीडीओ पीसीएस लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये क्रम है दोनों का, अधिकारियों का। जिले का विभाजन कार्य के आधार पर इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और आगे देखते हैं तो इसमें आता है, जैसे सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो राज्य का विभाजन कैसे होता है। तो राज्य हो गया, राज्य को विभाजित किया जाता है मंडल में। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, उसके बाद जिले, 75 जिले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उपसंभाग, तहसील और गांव। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि राज्य का विभाजन अलग अलग स्तर पर किया जाता है, जहां पे विभिन्न विभिन्न स्तरों पे अलग अलग अधिकारी होते हैं जो राज्य के विकास से संबंधित कार्य करते हैं। उसके बाद हमें चूंकि लेखपाल परीक्षा की तैयारी के बारे में बात करना है, तो फिर आता है लेखपाल। कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानूनगो, उनके सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। लेखपाल गांव की लेख जोख को संभालने वाला अधिकारी ही लेखपाल कहलाता है। पहले इसका नाम पटवारी था। इस पद का चलन शेर शाह सूरी के समय शुरू हुआ और बाद में इसे अकबर द्वारा खत्म नहीं किया गया और बढ़ावा दिया गया। शेर शाह सूरी के द्वारा पट्टा कबूलियत व्यवस्था, एक पट्टा कबूलियत व्यवस्था थी, में पट्टा धारकों को, जो पट्टा धारक होते थे उनका लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को पटवारी कहा जाता था। शेर शाह सूरी के समय पट्टा कबूलियत व्यवस्था में पट्टा धारक मीन्स जो भी किसी किसान की जो भी भूभाग है उसको पट्टा बोलते थे। पट्टा धारकों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी पटवारी कहलाया। फिर से देखिए, राज्य का जो विभाजन है अलग अलग स्तर पे, तो राज्य को मंडल में विभाजित किया जाता है, मंडल जिले में, जिले उपसंभाग में, फिर तहसील और फिर आता है गांव। लेखपाल का काम क्या होता है कि गांव का लेखा जोखा संभालने वाला अधिकारी, पहले इसे पटवारी कहा जाता था। इस पद का चलन शेर शाह सूरी के समय से ही हुआ और इसे अकबर द्वारा और आगे बढ़ाया गया। शेर शाह सूरी के द्वारा पट्टा कबूलियत में पट्टा धारकों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी पटवारी कहलाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए, राजस्व शब्दावली में मैंने आपको बताया था मौजा को ही हम ग्राम या गांव कहते हैं, और उसके बाद आता है इसको, अगर मौजा का विभाजन देखे तो मौजा का विभाजन दो आधार पर किया जाता है, एक तो मुकद्दम और दूसरा होता है पटवारी। मुकद्दम कानून एवं न्याय प्रशासन संबंधी, और दूसरा पटवारी राजस्व प्रशासन संबंधी अधिकारी होता है। ठीक है, तो अब इसमें केवल मैंने इतना ही बताया आपको, मौजा जिसको ग्राम या गांव कहा जाता है, एक मुकद्दम
ऐसा अधिकारी जो कानून एवं न्याय प्रशासन देखता है, दूसरा पटवारी जो राजस्व प्रशासन से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे कि पटवारी पद का नाम लेखपाल कैसे पड़ा, ये की सवाल है, इसके पीछे की हिस्ट्री है वो मैं भी आपको बताता हूं। पहले इसको देखिए, तो अब आगे देखते हैं कि पटवारी पद का नाम लेखपाल कैसे पड़ा, ठीक है। तो ये उस समय की बात है जब डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के सीएम थे, ठीक है। उसी समय 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के कृषि एवं राजस्व मंत्री बने, ठीक है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के कृषि एवं राजस्व मंत्री बने जिस समय डॉक्टर संपूर्णानंद सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्हीं के समय जब चौधरी चरण सिंह कृषि एवं राजस्व मंत्री थे, इन्हीं के समय उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ, ठीक है, इन्हीं के समय, जिसका उद्देश्य था कि जो जमींदारी व्यवस्था भारत में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही थी उसको खत्म करना। तो इन्हीं के समय जब ये कृषि मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इन्हीं के समय भूमि सुधार उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ। यह अधिनियम 11 जुलाई 1952 से अस्तित्व में आया, ठीक है। और यह अधिनियम जमींदारों से संबंधित था, जमींदारों को जो उनके पास जमीन थी सरकार द्वारा एक सीमा तय की गई थी, उससे ज्यादा जमीन कोई भी नहीं रख सकता, तो जमींदारों से यह संबंधित था। जमींदारों ने क्या किया कि जो जमीन का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी था पटवारी, उससे आपस में जमींदारों ने गठजोड़ कर ली, और उसका एक ही सिर्फ उद्देश्य था कि गरीब किसानों का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा सके। तो फिर से देखिए, अभी इसमें आगे और मैं ऐड करूंगा, पटवारी पद का नाम लेखपाल कैसे पड़ा। तो जब डॉक्टर संपूर्णानंद सीएम थे उस समय 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक चौधरी चरण सिंह कृषि एवं राजस्व मंत्री बने, और इनके कृषि मंत्री रहते हुए ही उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश से जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना था। यह अधिनियम 11 जुलाई 1952 को अस्तित्व में आया, जमींदारों से यह संबंधित था, पटवारी और जमींदारों ने आपस में गठजोड़ कर लिया, और जिसका उद्देश्य यह था कि गरीबों का शोषण किया जा सके, ठीक है, यहां तक देख लीजिए। अब उसी में आगे क्या होता है कि इस अधिनियम के विरोध में, जो जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित हुआ, जो चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री थे उस समय लागू हुआ, तो उसी अधिनियम के विरोध में उत्तर प्रदेश के 27,000 पटवारियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल क्यों कर दी? क्योंकि उनकी पहले से ही गठजोड़ जमींदारों के साथ थी, तो जमींदारों की जमींदारी जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश के 27,000 पटवारियों ने क्या किया, हड़ताल कर दी। ये सन 1952 की बात है। सभी पटवारियों को चौधरी चरण सिंह ने सभी पटवारियों को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और चूंकि पटवारी नाम इतना ज्यादा मतलब घूसखोरी से संबंधित या भ्रष्टाचार करने से की वजह से इतना ज्यादा बदनाम हो चुका था, तो पटवारी पद का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया, ठीक है। तो पटवारी पद का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। तो पटवारी का नाम लेखपाल कैसे पड़ा आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन उत्तर प्रदेश में प्रथम बार चकबंदी 1954 में हुई, और सबसे पहले कहराना तहसील जो कि मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में है, वहां पे चकबंदी हुई, ठीक है, देख लीजिए एक बार। आगे देखिए लेखपाल के प्रकार कितने डिवीजन किए गए लेखपाल के काम के आधार पे, तो एक है राजस्व लेखपाल और दूसरा है चकबंदी लेखपाल, ठीक है। तो राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत या चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करता है, मीन्स उसके कार्य का निरीक्षण चकबंदी आयुक्त जैसा जैसा कहेगा चकबंदी लेखपाल वैसा कार्य करता है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 में जो जो बातें कही गई उनको क्रियान्वित करने के लिए इस पद का सृजन किया गया, ठीक है।
दूसरा है राजस्व लेखपाल, ये जिला अधिकारी के अधीन कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 की धारा 16-2, ये बहुत जरूरी है, 16-2 के तहत पद का सृजन किया गया। तो राजस्व लेखपाल पद का सृजन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 पार्ट 2 के तहत इस पद का सृजन किया गया। तो लेखपाल को कार्य के आधार पर लेखपाल के पद को दो भागों में बांटा गया है, एक राजस्व लेखपाल जो कि जिलाधिकारी के अंतर्गत काम करता है, जिलाधिकारी के अधीन काम करता है, उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 की धारा 16-2 के तहत इस पद का सृजन किया गया है। दूसरा है चकबंदी लेखपाल जो चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करता है और उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 में जो बातें कही गई उनके क्रियान्वयन के लिए इस पद का सृजन हुआ। तो ये थी कुछ लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेखपाल के प्रमुख कार्य क्या है, है ना, उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। राजस्व परिषद लेखपाल के प्रमुख कार्य वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आपको मेरी ये आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।